और गाइस फाइनली मैं नदी पे पहुंच चुका, ये आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे। और दोस्तों एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो है यहाँ पर निकल। और ये देखो दोस्तों सामने मेरा दोस्त है, अबे लाओ। सो यार सामने गेट है क्योंकि ट्रेन आ रही है, तो यार रुकना पड़ेगा, तो 2 मिनट रुकते हैं। और ये ट्रेन आ गया गाइस। तो गाइस ट्रेन चला गया और अभी जो है हम लोग जाएंगे आगे की तरफ। तो गाइस आज जो है ठंड बहुत है, ये आप देख सकते हैं चारों ओर कोहरा ही कोहरा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ब्लॉग वीडियो बनाई। तो गाइस वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो यार चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। इधर से आलू ही आलू देखने को मिलेगा आप लोगों को। और ये इधर एक स्टेशन है जो कि हमारा वही रेल का जोधपुरी स्टेशन है, और यहीं पे सामने आपको देखने को मिलेगा एक भोलेनाथ का मंदिर जो कि छोटा मोटा है। और गाइस लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो लोग आलू के खेत में पानी दे रहे हैं। और ये देख सकते हो गाइस दूर दूर तक आपको सिर्फ आलू ही देखने को मिलेगा। और ये टावर है। और ये देखो गाइस इधर भी जो है पानी देगा, लोग दौड़ के आ रहे हैं नहीं पैदल चल के आ रहे हैं। और इधर हमारा छोटा मोटा पेड़ जो कि एक दिन बहुत बड़ा बनेगा ये पेड़। और गाइस ये जो पेड़ है पानी देने के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं। और इस साइड वाला जो कि बहुत छोटा है 10-15 दिन बाद देंगे इसमें। तो यार ये मैं आ गया हाईवे पर, और अभी जो है साइकिल जोर से भागेगी और जोर से पहले से कुल्फी जम जाएगी आज लगता है घर जाते जाते गाइस। और ये देखिए दोस्तों इधर भी आप लोगों को आलू देखने को मिलेगा। आप लोग मेरे यहाँ पे जिधर भी देखोगे आपको सिर्फ आलू ही आलू देखने को मिलेगा। और इस साइड पे भी देखोगे तो आलू देखने को मिलेगा आपको ढेर सारा। गाइस सामने जो है एक नदी है और मैं उस नदी में जाने की कोशिश करूंगा, तो चलिए आप लोगों को भी ले जाने की कोशिश करूंगा। सो गाइस इधर पे एक स्कूल है, अच्छा जहाँ पर मैं कभी पढ़ता नहीं था, अच्छा लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यार सामने नदी बस पहुँच ही चुके हैं हम लोग, और आप लोग देखते रहिए एंड तक। सभी जो है मैं पहुंच चुका हूँ नदी के बांध में, और इस साइड में नदी है जो कि आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। इधर पे पानी बहुत दूर में है, तो मैं इधर से सामने जाके आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये जो है मैं फिर से जंगल के अंदर आ गया, और ये निकल भी गया। सो गाइस इधर पे है नदी, जब मैं पहले आया था इस साइड से आया था रोड से। और ये है नदी के पास पहुंच गया गाइस। बालू है बहुत गाइस, इसलिए साइकिल कभी भी गिर सकती है। और ये मैं पहुंच गया गाइस दोस्तों, उठा दूंगा। ओ और ये देखो गाइस फाइनली अपन पहुंच चुका है।
पीछे। और दोस्तों एक चीज दिखाना चाहूंगा, वो है यहाँ पर बैंगन और कद्दू का पेड़ है। तो यार मैं जो है नदी तक आप लोगों को ले आया, अभी बारी है घर जाने की, तो चलो यार। और ये मेरा BMW पल्सर जो भी है, अबे उठ जा यार, अबे धीरे से। और ये मेरा पल्सर 220 जो है घूम चुका है। मैं आप लोगों को मैप में दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। इस पर और दोस्तों इधर पे हमें एक छोटा सा घर देखने को मिलता है, उसके साथ एक बकरी। और गाइस यहाँ पे एक पार्क है जहाँ पे सरस्वती पूजा के दिन सारे निप्पा निप्पी आते हैं। अगर आप लोग कहो तो उस दिन भी वीडियो बना दूंगा पार्क में जाके। और दोस्तों मैं फाइनली रोड पे पहुंच चुका हूँ। अभी जो है सावधानी से साइकिल चलाना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी आके ठोक देगा तुम्हारे भाई को। और सामने बैंक है। और गाइस उस जगह पर वो नदी का ब्रिज है। ओहो सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ रोड पे, और अभी मैं सीधा इधर से अपने घर पे जा रहा हूँ। देख रहे हो पीछे से कोई गाड़ी तो है नहीं। और गाइस आप लोगों को ये आलू का स्टोर दिख रहा है जहाँ पे आलू रखते हैं ताकि खराब ना हो। ये हमारा कृषि फार्म है जहाँ पर धान बिकता है। और ये देखो दोस्तों सामने मेरा दोस्त है। ओ गाइस साइकिल उठ नहीं रही है। अबे चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। और गाइस ये आप देख सकते हो कि दूसरा जो रोड बन रहा है वो पहले से कितना ऊंची है। और ये जो सारा मिट्टी है मैं जिस नदी पे गई थी उस नदी से लाते हैं। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया धूपगुड़ी के ओवर ब्रिज में। और आप लोगों को ये छोटा वाला ब्रिज दिख रहा है, ये बड़ा वाला बनने के बाद ये वाला हटा देगा। और ये हमारा नया वाला ब्रिज जो कि बनके तैयार हो ही चुका है, अभी एक दो महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये मैं आ गया ऊपर पहाड़ी के ऊपर। हाँ एक्चुअली ये पहाड़ भी बोल सकते हो, तो पहाड़ जैसा ही बना दिया है। तो फाइनली गाइस हमारा आज का ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाओ। हम मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।